10,000 का पोर्टफोलियो और 10 साल बाद कम से कम 1 करोड़ रुपया दोस्तों। अब रह गया कि आपका इन्वेस्टमेंट किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है या मीडियम शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी तरफ क्या आप अमीर और धनी स्टॉक मार्केट में बनना चाहते हैं। सबसे पहले अपने आप से ये पूछना पड़ेगा। अगर जब तक नहीं पूछेंगे दोस्त और डिसीज़न नहीं लेंगे तब तक ये हम भी नहीं डिसीज़न ले सकते हैं, ना हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप अमीर धनी बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक बात जान लीजिए, अगर आपको जीवन में स्टॉक मार्केट से अमीर धनी करोड़पति अरबपति खरबपति बनना है दोस्त, तो आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए। और स्टॉक मार्केट ये कहता है कि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम इन्वेस्टमेंट और टाइम स्पेंड दोनों दो चीज़ हो गया दोस्तों। इन्वेस्ट मतलब अगर आपने शेयर खरीद लिया तो उसको इंतज़ार कीजिए लंबे समय तक, और स्पेंड मतलब स्टॉक मार्केट में मतलब आप उसमें लगे रहिए, टाइम समय देते रहिए स्टॉक मार्केट में बिना काम का भी, देखते रहिए सुनते रहिए समझते रहिए, और कब, जब ट्रेडिंग आवर हो 9:15 से 3:30 तक, और उससे भी ज़्यादा टाइम देना साथ चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक दीजिए। डायबिटी वाइज MCX तो ये सारे कमोडिटीज़ ये सारे के सारे देखते रहिए, टाइम देते रहिए। अगर आप 3 साल तक, हमने तो दोस्तों 17-18 साल समय दिया स्टॉक मार्केट में, तब जाके हमें समझ में आया कि जो मेरा नुकसान हुआ दोस्तों आपका नहीं होने देंगे, ये मेरा प्रण है और इसी को लेके ये चैनल भी बनाया दोस्त। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट में अमीर और धनी बनाने वाले कौन सा स्टॉक है। तो आप जान लीजिए सबसे पहले कि निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 50, ये 4 जो स्टॉक्स नहीं इंडेक्स हमने बता दिया निफ्टी का, अगर आप इनमें से 3-3, 4-4 स्टॉक अगर अपने हिसाब से दोस्त, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना क्या, पैसा सिर्फ गंवा देंगे दोस्त, और गंवाएंगे नहीं तो लंबे समय तक उसी तरह पड़ा रहेगा आपका पोर्टफोलियो में, न बढ़ेगा न घटेगा। और दूसरी तरफ बहुत लोगों का कमेंट है दोस्तों कि किसी भी कंपनी का डीलिस्ट हो गया, अरे तो डीलिस्ट हो गया तो कंपनी थोड़ी डूब जाता है, कंपनी थोड़ी बंद हो जाती है, डीलिस्ट होता है तो रीलिस्ट भी होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। और डीलिस्ट होना किसी किसी के लिए सोने पे सुहागा का काम करता है, और डीलिस्ट किसी किसी के लिए लंबे समय तक इंतज़ार भी करवाता है। तो किस्मत की बात है दोस्तों, किस्मत भी तभी साथ देता है जब आप सीखेंगे पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, तभी उसमें डीलिस्ट होने से पहले अगर आपको पता चल गया कि ये रीलिस्ट जब होगा तो हमें ज़बरदस्त कमाई देगा, तो समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में अमीर धनी करोड़पति अरबपति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो डीलिस्ट का चिंता छोड़िए, सबसे पहले ये जानिए कि डीलिस्ट के बाद रीलिस्ट होने वाला है कौन सा कंपनी, और इसके लिए आपको बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन में बता दूं 12 कंपनी डीलिस्ट होने के बाद रीलिस्ट होते ही आपको अरबपति खरबपति बना देगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो वही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।